रायबरेली जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है। वही रायबरेली जिला है जहां पर हिंदी साहित्य के महान कवि व लेखक मलिक मोहम्मद जैशी व महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। रायबरेली में केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख उद्योगों की स्थापना की गई है, जिसमें आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, इंडियन टेलीफोन कॉर्पोरेशन आदि मौजूद हैं। रायबरेली जिला राजनीति के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान देता है। इस क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी आदि निर्वाचित हुए थे। रायबरेली उत्तर प्रदेश राज्य का वह पहला जिला है जहां पर सबसे पहले एम्स अस्पताल बनवाया गया था। दोस्तों, रायबरेली जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें उन्नाव जिला, फतेहपुर जिला, लखनऊ जिला, अमेठी जिला, प्रतापगढ़ जिला और बाराबंकी जिला है। 4043 वर्ग किलोमीटर में फैले रायबरेली जिला की कुल आबादी 29 लाख से ऊपर है। जिले में 6 तहसील गुजरती है। इसके अलावा जिले में और अन्य कई छोटे बड़े सड़क भी मौजूद हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग पड़ोसी जिलों में जा सकते हैं। राय जिला का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, जो कि लखनऊ में मौजूद है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो 81% लोग रायबरेली जिला में पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। फिरोज गांधी कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन बहुत ही प्रसिद्ध है, जो प्यार और सम्मान के साथ रायबरेली के लोगों को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर ले जाता है। यह शानदार उद्यान 57 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर 2, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी। यह पक्षी अभयारण्य 1987 में जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है। 541 सेक्टर तथा 283 अलग अलग सेक्टर्स वाला मॉडर्न रेल को सक्रिय यानी आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, जिसका निर्माण 7 नवंबर 2012 से शुरू हुआ था। यह आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसे TAT, महाराजा, तेजस, शताब्दी, दुरंतो जैसे एयर कंडीशनर तथा नॉन एयर कंडीशनर डिब्बों का निर्माण करता है। यह मॉडर्न कोच मेट्रो जैसे कोच का भी निर्माण करता है। यहाँ के बने मेट्रो कोच भारत ही नहीं पूरे विश्व में दौड़ते हैं। ऑटोमेटिक एवं आधुनिक मशीनों से लैस यह आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना प्रतिवर्ष 2000 से भी अधिक आधुनिक डिब्बों का निर्माण करता है। इस मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में 10,000 से भी अधिक लेबर काम करते हैं। यह भारत की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाला शहर रायबरेली से महज 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित शहर लालगंज है। हम इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बताएंगे और कुछ घूमने वाली और अजीबोगरीब रास्तों के बारे में बताएंगे। समुद्री तल से 142 डिग्री ऊपर स्थित लालगंज शहर, जो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है, 2011 की गणना के अनुसार लालगंज में टोटल पॉपुलेशन 21,142 थी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। लालगंज शहर में 92% मेल्स और 48% फीमेल्स निवास करते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 86.07% है, जो भारत की लिटरेसी रेट से भी अधिक है।